पुनर्जन्म प्राप्त कर मानव कल्याण के कार्य करें, ये उत्तम नहीं होगा क्या? जैसे महर्षि दयानंद पुनः जन्म लेकर अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करें। तो यह आपका प्रश्न है कि मुक्ति में जाने की अपेक्षा समाज सेवा करना ज्यादा अच्छा है, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि वो समाज सेवा करें? तो मेरा उत्तर है कि समाज सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात, पर प्रश्न है कब तक? इसका उत्तर आपको देना, बताइए कब तक करें? एक जन्म, दो जन्म, पचास जन्म, उसकी सीमा क्या है? कब तक सेवा करें, कब तक परोपकार करें? बोलो जी, कोई उत्तर देना चाहे तो। कौन सा जन्म है, पहला है, दूसरा है, पचासवां है, हम कह नहीं सकते कि उसका क्या। नहीं, ये जो प्रश्न उठाया गया है कि वो मुक्ति छोड़ दे और परोपकार करे। मुक्ति तो देखिए, वो एक व्यक्ति की मुक्ति, एक व्यक्ति की आनंद प्राप्त। मैंने आपकी बात समझ ली, मेरा जो अगला काउंटर क्वेश्चन है उसका उत्तर बताइए। वो एक मुक्ति छोड़ दे और सेवा करे, कितने लोगों का उपकार करे, सीमा बताओ ना, कब तक करे? 50,000 लोगों को मोक्ष में पहुंचा दे, फिर तो उसको जान लोगे आप मोक्ष में, वो सीमा पूछ रहा हूँ। 25 लोगों को भेजिए, 50 को भेजिए, 500 को भेजिए, ये सारी धरती के लोगों को सुधार के तब मोक्ष में जाए, वो सीमा बताइए। ईश्वर ने तो कह दिया तुम अपनी मोक्ष में जाओ, बस ईश्वर ने तो ये निश्चित कर रखा है। और जितने लोगों को जब तक आपका जीवन है तब तक आप लोगों को पढ़ाते रहो, प्रेरणा देते रहो, जो जाएगा जाएगा, तुम्हारी योग्यता हो जाएगी, तुमको हम मोक्ष दे देंगे। अरे इस प्रश्न की बात अलग है, ये तो कह रहे हैं कि इसमें अपने मोक्ष की तो बात ही उड़ा दी, कि अपना मोक्ष में तो जाना नहीं, बस सेवा परोपकार करते रहो। तो प्रश्न ये है कि यदि हम यही करते रहे, आप केवल कर्म करोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे? बेहतर जन्म मिले, जिसमें हमारी सामर्थ्य ज्यादा हो, ज्यादा लोगों को वो कर सके, या कुछ भी, मतलब हमें ग्लोरी या बेटरमेंट मिले। अच्छा, अच्छा, मोक्ष में तो मतलब जैसा अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, मोक्ष में जैसा आपने कहा कि केवल देखना है, सुनना है, हमारा कोई भी उसमें रिएक्शन, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, हाँ, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा बेसिक सवाल है कि हम केवल कर्म करते रहना चाहते हैं या फल भी चाहते हैं? फल के रूप में हम ये चाहते हैं कि ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, जो पूछा वो बताइए। केवल कर्म करना चाहते हैं या फल भी चाहते हैं? ये नहीं पूछा मैंने, ये नहीं पूछा मैंने। आप फिर अगले जन्म की बात कर रहे, अगला जन्म तो पूछा ही नहीं मैंने। बातचीत में नियम होता है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दो। क्या हम सदा कर्म करते रहेंगे या कभी फल भी चाहेंगे? ऐसा उत्तर दो ना, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। चलिए, जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दे, जितनी पूछी जाए उतना उत्तर दे, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। आपके दिमाग में जो गाड़ी अटकी है वो वहीं अटकी रहेगी, यदि आप मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देंगे। मैंने इन शास्त्रों को 40 साल तक पढ़ा और पढ़ाया और मैंने सोचना सीखा, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा उत्तर दे, तो आप भी सोचना सीख जाएंगे। आपके सोचने में थोड़ी कमियाँ हैं, आपको ठीक से सोचना नहीं आता। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे सोचना चाहिए, तो आप मेरे साथ साथ चलें तो आपको बात समझ में आ जाएगी और जल्दी मामला सुलझ जाएगा। तो मैंने पूछा, क्या हम केवल कर्म करना चाहते हैं या फल भी चाहते हैं? फल भी चाहते हैं। तो हम जो सेवा करें, परोपकार करें, आपने महर्षि दयानंद जी का नाम लिया, महर्षि दयानंद जी दोबारा आ जाए, फिर अपने बचे हुए कार्य को पूरा करें, वही तो जानना चाहता हूँ। उनका कितना काम बचा हुआ है और कब पूरा होगा? क्या वो अकेले कर पाएंगे? क्या काम बचा हुआ उनका, महर्षि दयानंद जी का, परोपकार में? किरण तो विश्व मारो, ये काम है, सारी धरती को आगे बनाओ, यही काम है ना, आप भी यही कहेंगे कि सारी धरती को आगे बनाओ। तो महर्षि दयानंद जी सारी धरती को आर्य बनाना शुरू कर दें, कितने वर्षों में बन जाएंगे लोग आर्य? नहीं बनेंगे ना, तो उनका तो मोक्ष हो गई। आप तो उनको मोक्ष में जाने को ब्लॉक कर दिया आपने,
वो काम पूरा करे और तब जाए, लोग सुधरने नहीं चाहते वो क्यों काम का अपना टाइम खराब करे। मैं आपसे विरोध में नहीं हूँ, मैं आपका समर्थन में हूँ, पर मैं तो सीमा जानना चाहता हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। महात्मा लोग आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, परोपकार करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे वही लोग थे जो देश का उपकार करते हैं, कर तो रहे वो। पर सवाल तो है एक आदमी कब तक करेगा, उसकी ड्यूटी कब तक है, इसका जवाब बताओ, इसका जवाब आप बता नहीं रहे। और जो माता जी ने बताया कि जब तक सारी धरती को नहीं सुधारते तब तक तो अनंत काल तक उसका मोक्ष नहीं होने वाला। धरती तो सुधरना नहीं चाहती, धरती को छोड़ो, आपके घर के 6 लोग नहीं सुधरना चाहते, धरती को तो बात छोड़ दो, तो उसका तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। तो मोक्ष की ये शर्त नहीं कि आप 50,000 लोगों को मोक्ष में भेज दो और तब जाके आपका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो शास्त्रों का विधान है उसको सुनिए और समझिए। मोक्ष के लिए आपकी भाषा से ये लग रहा है कि जो एक व्यक्ति मोक्ष में जा रहा है इससे तो एक को फायदा हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा। तो आपकी भाषा से ये झलक रहा है कि मोक्ष में जाना तो स्वार्थ की बात, वो तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा, चाहिए उसको देश की सेवा करना। तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि जो स्वार्थी होता है उसको मोक्ष नहीं मिलता, स्वार्थी के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद है, उसको ईश्वर घुसने नहीं देता, वो परोपकारी को ही घुसने देता है। और उसने सीमित सीमा बना रखी है कि इतना परोपकार आपको करना पड़ेगा तब मोक्ष को घुसने दूंगा। और वो सीमा ये है जब तक आपके अपने 5 क्लेश पूरी तरह से दलबीज ना हो जाए। हाँ जी बोलिए, आपने क्या बोला मैंने, जब तक हमारे 5 क्लेश दलबीज ना हो जाए उस सीमा तक आपको परोपकार करना, ये लिमिट ईश्वर ने बता रखी है, तब तक कर लो जितना करना। आप 1 जन्म लगाओ, 50 जन्म लगाओ, 1,00,000 जन्म लगाओ, कितने भी लगाओ, तब तक आपको परोपकार करना कंपलसरी अनिवार्य है। जब तक आपका अपना काम पूरा ना हो जाए तब तक आप परोपकार भी करो, वो जरूरी है, उसके बिना मोक्ष में घुसने नहीं देंगे। तो ये सीमा है। महर्षि दयानंद जी ने अपने अविद्या आदि 5 क्लेश दूर कर लिए, दलबीज कर लिए, तब तक उन्होंने परोपकार किया, जो ईश्वर की बनाई सीमा थी उसका पालन किया, अब हो गए मोक्ष में। हमेशा थोड़ी काम करते रहे, यूं तो उनका कभी नंबर ही नहीं आएगा मोक्ष में जाने का। 40 साल का तो मुझे ही अनुभव है, मैं देश भर में घूमता हूँ, लोग सुधरने ही नहीं चाहते, तो मैं सोचता हूँ मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ। जो सुधरना चाहता है उसको टाइम देता हूँ, जो नहीं सुधरना चाहता उसको नमस्ते, झगड़ा कुछ नहीं। तो ये है शास्त्रों का, अब क्लियर हो गया, चलो ठीक है, आपकी समस्या दूर हो गई।